a second, this is terrorism, get it right. And यहाँ पे आपके वालिद साहब को सीआरपी वालों ने गाड़ी से उतार के मार दिया है. Who in fact were responsible for the death of your grandfather because they all the way supported jihad. देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट. दूसरों के दोस्त तो आसानी से दिख जाते हैं, अपने गिरेबान में कब झांकता है कोई. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूँ नीलम. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर वो अपनी ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हैं. उन्होंने एक तस्वीर शेयर की और उसके बाद लंबी बहस छिड़ गई है. दरअसल मामला एक तस्वीर के ट्वीट को लेकर है, जिसके बाद बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने संबित पात्रा को निशाना बनाया है. मामले की शुरुआत बुधवार को होती है, जब जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमला होता है. इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि तीन अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हैं. इस मुठभेड़ में आतंकियों ने एक आम नागरिक को निशाना बनाया. वो शख्स अपने पोते को घुमाने निकले थे. इसी दौरान आतंकियों ने बुजुर्ग पर गोलियां चला दी. घटना के बाद बच्चा अपने दादा को ऐसी हालत में देखकर बिलखने लगता है. उसके बाद सीआरपीएफ के जवान उस बच्चे को घर तक छोड़ते हैं. अब इस तस्वीर के संबित पात्रा की ओर से शेयर किए जाने के बाद कई पाकिस्तानी और अलगाववादी लोगों की तरफ से सीआरपीएफ के खिलाफ बयान आने लगे. कई पाकिस्तानी और अलगाववादी लोगों की तरफ से ये बयान आने लगे कि सीआरपीएफ ने उस बुजुर्ग को मार दिया. यही नहीं, भारत में काम कर रही द वायर जैसी संस्था भी लगे हाथों इस अफवाह को हवा देने लगी. हालांकि सीआरपीएफ ने इस घटना के संबंध में पुष्टि कर दी है कि 1 जुलाई को मस्जिद में मौजूद आतंकियों ने सीआरपीएफ पर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और 3 जवान जख्मी हो गए. वहीं एक आम नागरिक भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए, जो अपने 3 साल के पोते के साथ उसी इलाके से गुजर रहे थे. अब बात करते हैं इस तस्वीर को लेकर शुरू हुई बौखलाहट की. कायदे से तो इस खबर के बाहर आने के बाद पाक प्रायोजित आतंकियों को निशाने पर होना चाहिए था, लेकिन आ गए संबित पात्रा और पीएम नरेंद्र मोदी. उसकी वजह भी है बुजुर्ग व्यक्ति के मृत शरीर के पास बैठे उस बच्चे की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए संबित पात्रा ने पुलित्जर लवर्स पर तंज कसा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तलवारें खींच ली गई हैं. फिल्म निर्माता विशाल ददलानी ने संबित पात्रा के ट्वीट पर आपत्ति जताई है. उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया है कि क्या इस तरह के संवेदनशील मामले को ट्वीट करने वाले इस आदमी यानी संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं. विशाल ने ये भी पूछा है कि क्या शालीनता और सहानुभूति के साथ सही सोच रखने वाले लोग इस अकाउंट की रिपोर्ट कर सकते हैं. विशाल की इस ट्वीट पर संबित पात्रा ने करारा जवाब दिया है. जब आपने रोहित वेमुला की तस्वीर पोस्ट किया था, जब आपने मोदी को निशाना बनाने के लिए जॉर्ज फ्लैट की तस्वीर शेयर किया था, आपने समुद्र पर गरीब मृत सीरियाई बच्चों की तस्वीर पोस्ट की थी, क्या यह संवेदनशील था? क्यों केवल जब हम पाक प्रायोजित आतंक और जिहाद पर बोलते हैं तो असंवेदनशील हो जाते हैं पाक और जिहाद प्रेमी? संबित पात्रा ने जो ट्वीट इस बार किया है उसको लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी, फिल्म निर्माता हंसल मेहता सहित कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि संबित अपनी बात पर कायम है. अगर आप अब भी नहीं समझे तो बता देते हैं, इस बवाल की वजह है 2 शख्स, पुलित्जर लवर्स. तो चलिए, अगर आप अब भी नहीं समझे तो इस शब्द से पर्दा हटा देते हैं. दरअसल मीडिया के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है. एसोसिएट प्रेस न्यूज एजेंसी के फोटोग्राफर डार यसीन, मुख्तार खान और जन्नी आनंद ने आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर के हालातों को कवर करने के लिए फीचर फोटोग्राफी में साल 2020 का पुलित्जर पुरस्कार हासिल किया था.
इन फोटोग्राफरों द्वारा खींचे गए फोटो में एक जिहादी जम्मू कश्मीर पुलिस पर पत्थर से हमला कर रहा है। एक तस्वीर में एक बच्ची है जिसकी आंख में पुलिस की गोली से चोट आई थी। ये दोनों तस्वीर भारतीय सेना को गलत ढंग से प्रस्तुत करती है और इस बार भी हमारी आर्मी को गलत बताने की कोशिश की गई। मतलब साफ है, जिन लोगों ने संबित पात्रा पर असंवेदनशीलता और अमानवीयता के आरोप लगाए हैं, वे लोग भी पहले ऐसी ही असंवेदनशीलता दिखा चुके हैं। विशाल ददलानी हो, दिया मिर्जा हो, सागरिका हो या और भी कोई सोशल मीडिया यूजर्स, ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने सेंसेशन फैलाने के लिए दिल्ली दंगों के मृतकों तक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि विवाद की मूल वजह क्या है। दरअसल कश्मीर में भारतीय सेना की एक इमेज बना दी गई है, इमेज ऐसी कि भारतीय सेना वहां शोषण करती है और इस तस्वीर के आने के बाद इस इमेज पर पानी फिर जाता है।